सो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक एवरीवन। एंड फिर एक बार हम जुड़ चुके हैं अपनी लाइव क्लास के अंदर, एंड जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी स्टोरी का, स्टोरी जो हमने पढ़ी थी तारोज रिवार्ड, ठीक है ना। ये है आपका क्लास सिक्स अनिशकल बुक का यूनिट थर्ड का थर्ड की एक्सरसाइज का वर्किंग विद टेक्स्ट, ठीक है। तारोज रिवार्ड चैप्टर का नाम है जिसकी हम एक्सरसाइज यहाँ पे करने वाले हैं। सालो ये जो वर्किंग विद द टेक्स्ट है, इसके जो है आपको देखने को मिलते हैं ए पार्ट एंड बी पार्ट। ए पार्ट के अंदर आपके जो है 5 क्वेश्चंस हैं, एंड नीचे बी पार्ट अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगे 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद वर्किंग विद द लैंग्वेज का, तो बाकी जितनी भी वीडियोज है हमने अपनी जो है क्लास सिक्स की इंग्लिश की प्ले लिस्ट में जो है अपलोड कर दी है, ठीक है। वहां पे जाकर आप जो है चेकआउट कर सकते हैं या कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको नहीं मिल रही, हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट का, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, जस्ट मेक श्योर कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ए पार्ट के क्वेश्चन के, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं आप इनको आंसर करिए, 5 क्वेश्चन के। वाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है ना। ये जो तारो है ये स्ट्रीम की डायरेक्शन में क्यों रन करता है, तो इसका आंसर कहां पे मिलेगा हमें, चैप्टर के पॉइंट पैराग्राफ 5 में हमें इसका आंसर मिलेगा। तो व्हाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, जो तारव है वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में क्यों रन कर, उसकी तरफ क्यों दौड़ता है। जब जंगल के अंदर वो लकड़ी काट रहा होता है तो उसको रशिंग वाटर, जिस तरह से पानी कहीं पे बह रहा है उसको झरने की आवाज आती है और वो पानी की तरफ दौड़ता है, ऐसा क्यों करता है। बेसिकली जो तारव है, ठीक है ना, काफी टाइम से वहां उस जंगल में जाता था, पहले उसने कभी पानी की आवाज सुनी नहीं थी वहां पे, इसलिए वो देखता है ये चेक करने के लिए कि वहां पे एक्चुअल में है क्या चीज, ठीक है। तो इसका आंसर हम इंग्लिश में, हमें एक्चुअल में लिखना है ना, तो कैसे लिखेंगे इंग्लिश के अंदर, तो उसको हम जो है ऐसे लिखेंगे, व्हाई डिड तारव रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की डायरेक्शन में क्यों रन करता है। तो क्या होगा हमारा इसका आंसर, किस तरह से लिखेंगे हम, तारव रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, तारव जो है स्ट्रीम की डायरेक्शन में जो है दौड़ता है, बिकॉज ही हैड हर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर, क्योंकि पानी गिरने की जो है उसको आवाज आती है। अर्लियर ही हैड नीदर हर्ड, उससे पहले उसने ना कभी ये आवाज सुनी थी, नार सीन, ना ही कभी जो है वहां पे कोई स्ट्रीम नियर बाई में देखी थी, करीब में ना ही उसने कोई स्ट्रीम देखी थी, ना ही ऐसी आवाज उसने पहले कभी सुनी थी। तो ही रेन टू सी व्हाट इट वाज, इसलिए वो दौड़ता है ताकि पता लगाए एक्चुअल में जहां पे जो आवाज आ रही है पानी की, ये कहां से आ रही है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसका हमने आंसर देखा ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाउ डिड तारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस ऑफ ड्रिंकिंग सेक, ठीक है ना। जब तारो ने उस स्ट्रीम से, वो जो सेक थी, ठीक है ना, बेसिकली उसको वहां से जो है इसने पिचर अपना भर के लाया था, ठीक है ना, अपना मिट्टी का बर्तन भर के लाया था, तो इसने अपनी जो, इसका जो बूढ़ा बाप था उसको वो जब सेक पिलाता है तो इसका बाप जो है किस तरह अपनी खुशी जाहिर करता है। तो आई एम श्योर आपको पता होगा इसका बाप जो है वो 2 घूंट मारते ही गर्म हो जाता है, 1 घूंट पानी इसकी सेक की पीते ही, और बाद में वो जो है अपने कमरे के मिडल में डांस करता है, ठीक है। हाउ डिड तारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग सेक, तो किस तरह से वो अपनी जो है हैप्पीनेस शो करता है, तो आंसर क्या लिखेंगे हम, तारोज फादर वाज सो डिलाइटेड, उसका बाप इतना खुश हो जाता है विद द सेक, इस सेक के साथ, दैट व्हेन ही स्वैलोड ए सिप ऑफ लिक्विड, जब वो इसकी 1 घूंट पीता है, ही स्टॉप्ड शिवरिंग, वो जो है कपकपाना उसका बंद हो जाता है, एंड बिकेम एनर्जेटिक, और जो है वो एनर्जी ताकतवर हो जाता है, एंड ही डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, ठीक है ना। ये वाला जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन जो है आपका मतलब कि अगर ऊपर वाला आप ना भी लिखेंगे, ये वाली लाइन आपको मिस नहीं करनी है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है ना। अगर ऊपर वाला आपको ये जो इससे पहले का था अगर वो मिस भी हो जाता है, ये वाली लाइन आप लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये वाली लाइन आपको छूट गई तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाउ डिड तारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग सेक, तो हम इसको लिख सकते हैं तारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस By dancing a little in the middle of the floor, ठीक है ना। ये वाला आंसर लिखेंगे, इससे के भी हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, थोड़ा सा लिखना है। तारोज फादर शोज हिज हैप्पीनेस बाई डांसिंग ए लिटल इन द मिडल ऑफ फ्लोर आफ्टर ड्रिंकिंग सेक, इतना हम ए सेंटेंस लिखोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, या आप इस तरह से लिखोगे तो इस तरह से भी आपको पूरा लिखना है, जो मैंने बताया वैसे भी लिखने से जो है पूरा मतलब इसी में निकलता है कि उसने थोड़ा डांस किया था तब, ठीक है। तो इस तरह से उसने अपनी खुशी जताई थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, व्हाई डिड द वाटरफॉल गेव तारो सेक एंड अदर्स वाटर, ठीक है ना। जो वाटरफॉल था, दूसरे दिन क्या हुआ, सभी गांव के लोग वहां पे पहुंच गए थे,
कि जहाँ से ये सेक ला रहा है, ठीक है ना। लेकिन उन सबको वहाँ पे जो टेस्ट आ रहा था वो आ रहा था पानी का, लेकिन जब तारव उसको पीता था तो तारव को किसका टेस्ट आता था? तारव को सेक का टेस्ट आता था। तो ऐसा क्यों था, ठीक है ना। वाई डिड दी वाटरफॉल गिव तारो सेक एंड अदर्स वाटर? तारो को जो है सेक का टेस्ट मिलता था और दूसरों को किसका सेक टेस्ट मिलता था? पानी का, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, दी वाटर ओब्लिज्ड तारो एंड चेंज वाटर इनटू सेक, ठीक है ना। एक्चुअल में जो पानी है वो जो है तारव को ओबे करता था, ठीक है ना। तारो के लिए जो है खुश दिल था, उसने जो है अपना जो टेस्ट है वो तारो के लिए बदल देता था, ठीक है ना। दूसरों के लिए वो पानी ही रहता था लेकिन तारो के लिए वो सेक बन जाता था। द रीज़न वॉज दैट ही वॉज ए थाटफुल सन, इसकी जो मेन वजह थी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स का केयर करता था, ठीक है ना, ध्यान रखता था उन अपने पेरेंट्स का, अपने पेरेंट्स की मानता था। दैट्स वाई ये जो पानी का झरना था उसके लिए सेक बन जाता था। ही सर्वड हिज ओल्ड पेरेंट्स सिंसियरली, वो अपने बाप की जो है बूढ़े पेरेंट्स की खिदमत करता था दिल से। सेक वॉज द रिवार्ड फॉर हिज गुडनेस, जो सेक था एक्चुअल में वो रिवार्ड थी, ठीक है ना, एक इनाम था जो गुडनेस वो अपने पेरेंट्स के साथ शो करता था, जो उसका जो अच्छापन था, ठीक है ना, उसका रिवार्ड था, उसको मिल रहा था। अदर्स पीपल वेयर जस्ट ग्रीडी, दूसरे लोग सिर्फ लालची थे, सो दे घाट ऑनली प्लेन वाटर, ठीक है ना। दूसरे लोग जो थे वो लालची थे, ठीक है ना, दिल से सिंसियर नहीं थे, तो इसलिए उनको बाकियों को जो है वो पानी ही मिलता था, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड दी विलेजर्स वॉन्ट टू ड्रॉवन तारो, ठीक है ना। तो गांव वाले दूसरे दिन वहां पे झरने पे जब पहुंचे तो उनको पता चला ये सेक नहीं है, ये पानी है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है हमें तारो अगर हमें जहां पे मिलता है हम उसको इस पानी के अंदर जो है डुबोएंगे, ठीक है। तो व्हाई डिड तारोस वांट टू ड्रवन, जो विलेजर क्यों जो है तारो को डुबोना चाहते थे? द विलेजर्स वांटेड टू ड्रवन तारो बिकॉज दे थॉट दैट दे हैड बीन ट्रिक्ड बाय हिम, तो इसलिए वो जो है उसको जो है पानी के अंदर जो है उसको जो है डुबोना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो तारो ने उनके साथ धोखा किया है, सिर्फ उसके साथ मजाक किया, ट्रिक की है, ठीक है। तारो हैड टोल्ड देम दैट द वाटरफॉल गिव सेक, तारो ने उनको बताया था कि ये जो वाटरफॉल है इसकी वजह से जो है ये एक्चुअल में सेक है। दे वेर गेटिंग कोल्डर, ठीक है ना, तो वो जो है अब ठंडे हो रखे थे, उनको तो पानी दिख रहा था, ठीक है। देन उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5, वाई डिड एम्पायर रिवार्ड तारो, जो एम्पायर होता है जो बादशाह होता है वो तारव को क्यों रिवार्ड करता है, तारव को क्यों इनाम देता है? द एम्पायर ऑफ जापान रिवार्डेड तारो फॉर बीइंग गुड एंड काइंड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, जो जापान का बादशाह होता है वो तारव को इसलिए इनाम देता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ जो होता है बहुत ही रेम दिल होता है और अच्छा होता है, अच्छे से अपने पेरेंट्स की खिदमत करता है। दिस वॉज एम्पायर्स वे टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट ओबे एंड सर्व देयर पेरेंट्स, एक्चुअल में ये जो इनाम दिया तारव को तो ये जो है बादशाह का एक तरीका था ताकि वो दूसरे बच्चों को जो है इनकरेज करे, ठीक है ना, उनको भी जो है इस चीज़ के लिए मोटिवेट करे ताकि वो भी अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, उनको जो है उनकी बात माने और उनकी खिदमत करें, ठीक है। तो इसलिए जो है जापान का किंग जो है रिवार्ड करता है तारो को। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी हमने देख लिया। नाउ बात करते हैं हम अपने बी पार्ट की, मार्क दी राइट आइटम, जहाँ पे इसने जो है हमें एक क्वेश्चन दे रखा है उसके नीचे 3 ऑप्शन है, हमें राइट वाला मार्क करना है। तारो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज, तारो जो है उसको बहुत कम पैसे मिलते थे क्योंकि ही डिडेंट वर्क वेरी हार्ड एनफ, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत से काम नहीं करता था। दी विलेजर्स डिडेंट नीड वुड, जो विलेजर्स थी उनको लकड़ियों की जरूरत नहीं थी। दी प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, तो क्या आंसर होगा? एक्चुअल में जो प्राइस थी वुड की, ठीक है ना, वो काफ़ी कम थी, दैट्स वाई उसको जो है कम पैसे मिलते थे। तो पहले का हम क्या टिक करेंगे, पहले का जो है हमारा जहाँ पे कौन सा टिक होगा, पहला होगा हमारा दूसरे वाला, इसको हम जो है टिक करेंगे जहाँ पे, ठीक है। चलिए तो इसमें हम कौन सा टिक करेंगे, ये वाला, ठीक है। उसके बाद है तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तारो डिसाइड करता है कि वो अब एक्स्ट्रा पैसे कमाएगा। टू लिव ए मोर कंफर्टेबल लाइफ, ताकि वो बेहतर जिंदगी जी सके। टू बाय हिज ओल्ड फादर सम सेक, ताकि वो अपने बूढ़े बाप को कुछ सेक ला के दे सके। टू रिपेयर दी क्रैक्स इन दी खांट, ताकि उसके जो घर के अंदर जो झोंपड़े के अंदर जो क्रैक्स हैं उनको ठीक करें। एक्चुअल में वो चाहता था कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाए ताकि अपने बाप को जो है सेक लाकर दे सके, क्योंकि उसके बाप चाहता था, उसकी विश थी कि उसको सेक मिले, ठीक है, पीने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा ठंडा पड़ चुका था, ठीक है। थर्ड को देखते हैं, दी नेबर लेफ्ट तारोस हट इन ए हरी बिकॉज, जो पड़ोसी थे वो तारो का घर जो है बहुत जल्दी छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, ऐसा उनके पड़ोसियों ने क्यों किया, ठीक है। तो क्या है, शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, क्योंकि वो जो औरत थी, लेडी जो है वहाँ से चली जाती है,
क्योंकि वो जो थी वो ड्रिंक पी के शेक पी के जो है खुश हो चुकी थी। शी वॉज एस्टॉन्शड टू हेयर तारो स्टोरी, वो हैरान हो चुकी थी तारो की कहानी सुनकर। शी वॉन्टेड टू टेल दी होल विलेज अबाउट दी वाटरफॉल, वो औरत जो है पूरे गांव को इस बात के बारे में बताने चाहती थी कि ये वाटरफॉल किस तरह से जो है सेक दे रहा है तारो को। तो इसके साथ ही हमारी जो है वर्किंग विद द टेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज का पोर्शन है 33 तक पेज तक ये हमने कर दिया कंप्लीट। 32 और 33 पेज पे है जी आपकी एक्सरसाइज, ये कर दी हमने कंप्लीट। इसके बाद हम जो है वर्किंग विद द लैंग्वेज जो है करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट मेक श्योर तब तक आप इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियोज नहीं मिल रही तो जस्ट टेल अस इन कमेंट, हम वहाँ पे आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय।